हेलो फ्रेंड्स, आपका यूनिक डिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है हरे मटर और गेहूं के आटे से बने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते की रेसिपी को आप छोटी मोटी भूख के लिए या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ताज़े हरे मटर। मटर लेने के बाद मैंने इसे 2 से 3 पानी तक धो करके साफ़ कर लिया है। अब इस मटर को डालेंगे मिक्सर जार में और इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसमें बिना पानी डाले इसे दरदरा सा पीस लेंगे। दरदरा सा पीसने के लिए मिक्सर को रुक रुक कर चलाएंगे तो ये इस तरह से दरदरे से पीस जाएंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब यहाँ गैस पर रखेंगे 1 कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है। मटर गैस करता है तो इसके लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। इसी के साथ अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तिल का टेस्ट भी इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब जो मटर हमने पीस कर साइड में रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। अब यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसमें जो भी कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद मटर हल्के से ड्राई हो गए हैं तो अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जिस कप से मैंने मटर लिया था उसी कप से नाप कर मैंने 1 कप पानी भी लिया है। मटर को पीसते वक्त जो जार में रह गए थे उसे भी पानी के साथ डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और कलर के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आने लगे तो अब हम लेंगे यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा। मैंने 1 कप मटर लिया था तो 1 कप पानी भी डाली हूँ। अब इसमें 1 कप गेहूँ का आटा भी डालेंगे। इन तीनों चीज़ों की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी कटोरी या कप से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक पकने के बाद ये कढ़ाई छोड़ने लगता है और डो की फॉर्म में आ जाता है। अब ये डो की फॉर्म में आ चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। अब इस डो में से नींबू जितने बड़े साइज के लोई तोड़ेंगे। अब इसे दोनों हाथों से चिकना करते हुए या तो सिलेंडर के शेप में या फिर टिक्की के शेप में तैयार कर लेंगे, या फिर किसी और शेप में आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी टिक्की बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। अब इस मीडियम गरम ऑयल में 1-1 करके नाश्ते को डाल देंगे। इसे डालने के बाद तुरंत से इसे नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलट कर और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम ही रख कर इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। गेहूं का आटा और मटर तो पहले से ही पका हुआ है, बस इसे अंदर तक क्रिस्पी करने की ज़रूरत है। तो इस नाश्ते को फ्राई होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट का ही समय लगता है। 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा ऊपर से फूला फूला सा दिखाई दे रहा है और ये सुनहरे कलर का दिखाई दे रहा है। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लिया है तो अब इसे निकाल लेंगे। इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो ये बहुत ही कम ऑयली भी होता है। अब यहाँ बाकी बचे हुए नाश्ते को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। थोड़े से हरी मिर्च को भी इसके ऊपर से फ्राई करके डाल देंगे। अब ये मटर और गेहूं के आटे से बना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। ये नाश्ता ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी
अगर अच्छी लगे तो इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।